दोस्तों आपने यह तो सुना ही होगा कि कंगारू चूहा बिना पानी पिए भी जिंदा रह सकता है। तो आज का फैक्ट इसी बात से रिलेटेड है कि आखिर कंगारू चूहा बिना पानी पिए कैसे जिंदा रह लेता है। दोस्तों यूं तो प्रकृति में अनेक जीव हैं जो बिना पानी के भी जिंदा रह लेते हैं, खासकर सांप, छिपकली और कीड़े। ये जो भी भोजन करते हैं उसके माध्यम से शरीर में पानी की पूर्ति कर लेते हैं। जैसे ऊँट के बारे में हम यह सुनते हैं कि उसके शरीर में पानी की थैली होती है। तो चलिए जानते हैं कि कंगारू चूहा जिंदा रहने के लिए पानी का इंतजाम कैसे करता है। कंगारू चूहे के शरीर में अन्य स्तनधारियों की तरह लगभग 70% पानी होता है। सूखे बीज खाकर और रेगिस्तान में घूमते हुए भी कंगारू चूहे के शरीर में पानी का संतुलन बना रहता है। कंगारू चूहे को 60 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। यह लगभग 6 मिलीलीटर पानी तो वातावरण से प्राप्त कर लेता है और बाकी जो यह बीज खाता है उसमें भी पानी की कुछ मात्रा होती है। अगर कंगारू चूहा 100 ग्राम बीज भी खाता है तो उसको 6 मिलीलीटर पानी बीजों से मिल जाता है। बाकी के पानी का निर्माण उसके शरीर में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हो जाता है। इसके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया में भी लगभग 54 मिलीलीटर पानी बनता है। इस तरह 60 मिलीलीटर पानी का इंतजाम हो जाता है। कंगारू चूहा इस पानी का उपयोग बहुत कंजूसी से करता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं की यह खूबी होती है कि वे अपने शरीर से पानी का खर्च काफ़ी नपे तुले तरीके से करते हैं। जंतुओं के शरीर से पानी का खर्च मलमूत्र, पसीना और सांस के द्वारा होता है। कंगारू चूहे की पेशाब में पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए यह गाढ़ी होती है। इस तरह मल के साथ भी काफ़ी पानी कम निकलता है। दोनों में क्रमशः 13.5 और 2.6 मिलीलीटर पानी ही निकलता है। सांस के माध्यम से 43.9 मिलीलीटर पानी खर्च होता है। इसके शरीर से पसीने के रूप में पानी खर्च नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कंगारू चूहे के शरीर में यदि 6 मिलीलीटर पानी की व्यवस्था है तो खर्च भी लगभग इतना ही होता है। अपने शरीर में पानी का संतुलन बरकरार रखने के लिए दोपहर में यह बिल में दुबका रहता है। बिल में ठंडक और नमी होने के कारण पानी का खर्च कम होता है। इस तरह कंगारू चूहा अपने शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखता है। तो दोस्तों आखिर कंगारू चूहे को कंगारू चूहा क्यों कहा जाता है? कंगारू चूहे के पास आगे के पैर छोटे और पिछले पैर लंबे होते हैं, जो कि काफ़ी उछाल तक जंप करने के लिए सहायक होते हैं। एक जंप में कंगारू चूहे 9 फीट तक की डिस्टेंस को पार कर लेते हैं। कूदने की इसी क्षमता और कंगारू की तरह का डिजाइन होने के कारण कंगारू चूहे को कंगारू चूहा कहा जाता है। फीमेल कंगारू चूहे की प्रेगनेंसी 1 मंथ के लगभग होती है, जहाँ यह 1 से 6 बेबीज को जन्म देती है। जन्म के समय कंगारू चूहे के बच्चे अंधे और बिना फर के पैदा होते हैं और अपना यह समय वे बिलों में ही बिताते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।